गरिमा यार गड़बड़ हो गई। अरे क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये कमला अभी तक गई नहीं? हाँ बस वो झाड़ू पोछा कर रही है, जाने वाली है। एक सेकंड, कमला सुनो, इसके आगे ना तुम कुछ बात मत करना, जैसे जैसे मैं बोलूं बस उसका जवाब देती रहना, ठीक है? हुआ क्या है बताओगे? जी साहब। तुम्हारा काम नहीं हुआ अभी तक? नहीं साहब, बस होने वाला है। अच्छा, तुम वैसे रहते किस साइड हो? साहब ये घर के पीछे जो बस्ती नहीं है वहीं पे रहती हूँ मैं। अच्छा सर, देखो तुम्हें तो पता ही है, तुम हमारे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हो, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ में किसी मदद की ज़रूरत होती है, हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ साहब, आप दोनों तो मेरी हमेशा मदद करी है, मैं आप लोग का एहसान कैसे भूल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर कभी हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो तुम हमारी मदद करोगी ना? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगी। अरे ये क्या मदद करेगी तुम्हारी, मुझे बताओ ना, मैं मदद करती हूँ। तुम्हें मैंने बोला है ना चुप करके बैठी रहो, मुझे बात करने दो। कर लो यार, तुम ही बात कर लो। हाँ साहब, मेम साहब सही कह रही है, मैं क्या आप लोगों की मदद कर सकती हूँ? देखो हम लोग ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकती हो। पहले तुम ये पैसे पकड़ो। साहब इतने सारे पैसे देके आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? तुम चिंता मत करो, हम तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाना चाहते। दरअसल हुआ ये है कि इस साल ना हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए और डेट भी निकल चुकी है, तो घर पे इतना कैश रखना ना हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर गलती से भी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हमारे घर आया और उसे ये कैश हमारे घर पे मिल गया तो हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे कैश हमारे पास कहाँ से आया, और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो तुम इसे प्लीज़ अपने साथ ले जाओ, अपने घर रख लो, ज़्यादा नहीं बस 2 महीने के लिए, तब तक मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कैश दिखाई दूंगा अपने बैलेंस शीट में। प्लीज़ तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो। साहब मैं अपने घर कैसे लेके जा सकती हूँ? देखो हमने तुम्हारी इतनी बार मदद करी है और कभी हमने कोई सवाल नहीं किया, अब तुम्हारी बारी है, प्लीज मना मत करना। ठीक है साहब, मैं ले जाऊंगी। ठीक है, संभाल के ले जाना इसे। चलो ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। अरे यार क्या था ये सब, कौन सा टैक्स नहीं भरा हमने? अभी पिछले हफ्ते तो टैक्स भरा है और टाइम पे भरते हमेशा। और एक बात बताओ, ये पैसे आए कहाँ से? देखो मुझे अच्छे से पता है हमारे बार इनकम टैक्स टाइम से भरते हैं और इस बार भी भरा है, और ये जो कैश था ना ये मेरी सेविंग्स का कैश था। अरे सेविंग्स के थे तो बैंक अकाउंट में डालते, मुझे दे देते, उसे क्यों दे दिए, लेके भाग गई तो? देखो मैंने उसे वो पैसे इसलिए दिए क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अच्छा तुम्हें कैसे पता? जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था ना तभी मैंने उसे बात करते हुए सुना था। क्या बोल रहे हो तुम, गुड्डू के इलाज में 50,000 रुपए लगेंगे, इतना तो हम साल भी काम कर लेंगे तब भी नहीं जोड़ पाएंगे। अच्छा सुनो, जो गांव की जमीन थी उसको बेच के पैसा मिल सकता तो कब तक मिलेगा? क्या कह रहे हो 2 महीने? तुम्हें पता है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि अगर अभी इलाज नहीं करवाया तो गुड्डू हमारे बीच नहीं रहेगा। क्या कह रहे हो तुम, मैं साहब से कैसे मांग सकती हूँ इतने सारे पैसे, उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी है बट इतने सारे पैसे नहीं मांग सकती मैं उनसे। कुछ तो करो प्लीज, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं नहीं मांग सकती यहाँ पे। तो बस इसलिए मुझे जब समझ आया कि उसे पैसों की जरूरत है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसकी मदद कर दूं, और वो खुद से तो हमसे पैसे मांगती नहीं क्योंकि उसे ऑलरेडी लगता है हमने उस पर इतने एहसान करे हुए हैं, तो वो नहीं मांगती हमसे पैसे, तो मदद करने का मुझे यही तरीका दिखा। अरे वैसे ये तरीका थोड़ा अजीब नहीं था, ये इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, थोड़े से पैसे रख के कौन सी रेट पड़ जाएगी हमारे घर पे, ये अजीब तरीका नहीं था? ये बात तो हमें पता है ना कि इनकम टैक्स का कोई चक्कर नहीं है और इतने से कैश का भी कोई चक्कर नहीं होता, उसे तो ये लग रहा है ना कि वो हमारी मदद कर रही है, और वैसे भी अब 2 महीने उसके पास पैसे रहेंगे, 2 महीने में तो वो जुगाड़ कर ही लेगी ना इन पैसों का, लेकिन जो अगले हफ्ते उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए वो तो उसके पास अरेंज हो गए ना, और उसे लग रहा है वो हमारी मदद कर रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ करने से पहले मुझे तो बता दिया करो कम से कम। मैं ध्यान रखूंगा, अगली बार से ऐसा कुछ करने से पहले तुम्हें बता दूंगा, तुमसे डिस्कस कर लूंगा। हाँ बता देना।